मंदिरों और घाटों की प्राचीनतम नगरी और भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी अब हो रही है तैयार एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन अग्रणी प्राकृतिक गैस उपक्रम गेल के सहयोग से प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत वाराणसी सिटी गैस वितरण परियोजना के तहत यहां स्थापित होने जा रहा है नावों को ईंधन देने वाला भारत का पहला सीएनजी स्टेशन, जो इस स्मार्ट सिटी को देगा एक नई और आधुनिक पहचान। यहां सीएनजी से नाव भी चलेगी, जिससे गंगा में प्रदूषण भी कम होगा। गंगा नदी के किनारे 7 किलोमीटर की लंबाई वाले 80 से अधिक रिवरफ्रंट घाट हैं। शांति की तलाश में वाराणसी में आए लाखों पर्यटक इन घाटों पर जरूर आते हैं और यहाँ की अविस्मरणीय छटा देख नावों की सवारी का मोह त्याग नहीं पाते। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि यहाँ की ज्यादातर नावें पारंपरिक ईंधन का उपयोग करती हैं, जो वायु प्रदूषण के कारक तो हैं ही, साथ ही गंगा नदी की निर्मल धारा को भी पारंपरिक ईंधन के रिसाव से प्रभावित करती हैं। इसी प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से नावों के संचालन में पारंपरिक ईंधन की जगह पर सीएनजी के उपयोग पर विचार किया गया है। जी हाँ, अब नावें भी चलेंगी सीएनजी से। इसी को ध्यान में रखकर पवित्र नदी गंगा के खिरकिया घाट पर सीएनजी वितरण सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है गेल को। लेकिन सबसे पहले पारंपरिक ईंधन से चल रही इन नावों को सीएनजी वाली नावों में परिवर्तित करना आवश्यक है। इसके लिए मौजूदा नावों की स्टडी कर पहले से नावों में जो इंजन इंस्टॉल्ड हैं उनकी क्षमता के अनुरूप सीएनजी इंजन किट के इंस्टॉलेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन में गेल के साथ साथ नगर निगम वाराणसी की प्रमुख भूमिका होगी। एक ओर गेल सीएनजी नौकाओं के पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जिम्मेदार होगा, दूसरी ओर नगर निगम वाराणसी भूमि की उपलब्धता और आवश्यक अनुमति सुनिश्चित करेगा और साथ ही सीएनजी का उपयोग करने के लिए नावों के रूपांतरण की जिम्मेदारी भी लेगा तथा देव दीपावली 2021 तक लगभग 1700 नावों का रूपांतरण होगा, जो कि सीएनजी स्टेशन की वितरण क्षमता के अनुरूप होगा। आइए अब जानते हैं कि सीएनजी स्टेशंस द्वारा नावों में ईंधन भरने की प्रक्रिया कैसे संभव होगी। भूमिगत स्टील पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस खिरकिया घाट पर ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन तक पहुंचेगी। ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी कंप्रेसर गैस को 16 से 18 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर से 250 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक कंप्रेस करेगा और स्टेशनरी स्टोरेज कैस्केड में संग्रहित किया जाएगा। यहां डिस्पेंसर के माध्यम से घाट पर आने वाले पर्यटक वाहनों में सीएनजी फिलिंग की जाएगी। ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन पर स्टेशनरी स्टोरेज कैस्केड से सीएनजी स्टेनलेस स्टील एसएस ट्यूबिंग के माध्यम से घाट के अंत तक जाएगी। सीएनजी नली घाट पर एसएस ट्यूब के अंत को जेटी पर स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग से जोड़ेगा और सीएनजी जेटी पर रखे डिस्पेंसर तक पहुंच जाएगी। डिस्पेंसर से सीएनजी 180 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के दबाव में डिस्पेंसिंग आर्म्स के माध्यम से जेटी पर लंगर डाली हुई नाव में भरा जाएगा। चाहे वो बड़ी हो या छोटी नाव, इन स्टेशन से आसानी से सीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नगर निगम वाराणसी के सहयोग से गेल ने खिरकिया घाट पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगभग 50 नावों को भरने के लिए सीएनजी डिस्पेंसिंग सुविधा विकसित की है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर नावों में सीएनजी भरने के लिए ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन की सुविधा विकसित करने हेतु वाराणसी नगर निगम द्वारा खिरकिया घाट और रविदास घाट पर गेल को भूमि और डेडिकेटेड जेटी प्रदान करने का प्रस्ताव है। नाव की साइज के अनुसार हर नाव को प्रतिदिन 6 से 12 किलो सीएनजी की आवश्यकता होगी। पूरी तरह से जब नावों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो प्रतिदिन लगभग 15,000 किलो गैस की जरूरत होगी। इस परियोजना के पूरा होने से वाराणसी के घाटों की छवि और भी आकर्षक होगी। साथियों,
मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है। क्योंकि सीएनजी से चलने वाली नाव पर्यावरण के अनुकूल तो होगी ही, साथ ही ये ईंधन का एक किफायती, सुरक्षित, सुलभ और स्वच्छ विकल्प भी होगा। पर्यटकों के लिए भगवान विश्वनाथ मंदिर की यात्रा के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क की जगह इस मार्ग का इस्तेमाल अधिक सुविधाजनक होगा। इसके इस्तेमाल से जल जीवों के जीवन को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इसका उपयोग मल्लाह समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा। पौराणिकता और आधुनिकता का ये मेल गेल और भारत सरकार के सहयोग से वाराणसी के घाटों की भविष्य में वो चित्र खींचेगा जिसे आप आजीवन संजो कर रखना चाहेंगे। साथ ही आप अपने हृदय में लेकर जाएंगे इस शहर की अलग पहचान, काशी की ऊर्जा गंगा।